मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मशरूम। इसे मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद में इसे इस तरीके से इसे कट करके रखा है। और इसे बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो ये 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर, हरा धनिया, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और यह है मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसमें कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाल दिया है। अब ये गर्म हो चुका है तो इसमें मैं एक एक करके सारी चीज़ें डालूंगी। तो सबसे पहले हमें डालना है इसमें ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा हुआ है, इसे उसके बाद में इसमें डालूंगी प्याज, और मैं साथ में डालूंगी इसे हमें थोड़ा सा लाल होते तक के पकाना है। उसमें फिर जब इसका लाल कलर आ जाए तब इसमें फिर बाद में रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। ये प्याज अभी लाल हो चुके हैं, हल्का सा इसमें लाल कलर आया हुआ है, तो अभी मैं इसमें ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। इसे डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे हम। टमाटर डालने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए होने देना है, उसके बाद हमें इसमें मशरूम डालना है। मैंने इसमें साथ ही में गरम मसाला भी डाल दिया है। ये होने के बाद में अभी इसे 2 मिनट तक पकाना है, उसके बाद इसमें मशरूम ऐड करना है। आप अपने हिसाब से इसमें तीखा कम ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। और मशरूम की सब्ज़ी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अभी इसमें हमें मशरूम को ऐड कर देना है। मशरूम वैसे भी हम बहुत हेल्दी होता है, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम लोग इसे अक्सर बनाते हैं। अभी इसमें ये ऐड करने के बाद इसे चला लें और इसमें कम फ्लेम में इसे पकने देना है 5 मिनट के लिए। इसे अपने आप ही पानी निकल आता है, पानी छूटता है, और इसका जो साइज़ आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा हल्का सा कम हो जाता है। थोड़ा सा धनिया मैं पकते टाइम पे इसमें ऐड कर लेती हूँ, इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। इसे 5 मिनट के बाद इसमें फिर पानी डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसे पानी छूट चुका है और इसका थोड़ा सा इसका साइज भी कम हो गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला सब्जी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। अब हमें इसे और 5 मिनट के लिए पकने देना है, उसके बाद ये बंद कर देना है। बहुत जल्दी पक जाती है मशरूम की सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम इसे पकाना नहीं होता है। अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ कम ही फ्लेम पर, उसके बाद इसमें धनिया डाल देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते देखिए अब ये सब्जी बनके रेडी है और इसका जो ग्रेवी है वो भी ठीक आ गया है। तो अभी अब इसे मैं बंद कर दूंगी और इसमें हम अभी धनिया डाल देंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए।